अक्सर मंदिरों में नारियल फोड़े और रखने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में भक्त भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है। हिंदू संस्कृति के शास्त्र कहते हैं कि शिवालय और श्री कृष्ण मंदिर में नारियल प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण किया जाता है, इसलिए यहाँ पर नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। और हनुमान जी, माता रानी और भैरव बाबा के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है। यहाँ पर नारियल को इसलिए फोड़ा जाता है कि यह बलि का स्वरूप नारियल माना जाता है, इसलिए इन मंदिरों में नारियल फोड़ कर चढ़ाया जाता है। जब लोकल 18 की टीम ने पंडित शैलेंद्र मुखिया से नारियल मंदिरों में फोड़ने और रखने को लेकर बात की, तो उन्होंने बताया कि शिवालय और श्री कृष्ण मंदिर में नारियल को प्रसाद के रूप में भगवान शिव और श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता है, लेकिन हनुमान जी, माता रानी और भैरव बाबा के मंदिर में नारियल को बलि के स्वरूप में फोड़ कर चढ़ाया जाता है। यदि आप भी मंदिरों में जाते हैं और नारियल को लेकर कन्फ्यूज हो, तो आपको यह जानकारी जरूर रखना चाहिए कि शिवालय और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में नारियल प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। हनुमान जी और माता रानी और भैरव बाबा को नारियल फोड़ कर बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। इन देव देवताओं को भक्त बलि चढ़ाते हैं, इसलिए बलि के रूप में नारियल का भक्त उपयोग करते हैं। क्या चढ़ाना चाहिए कि फोड़ना चाहिए, कहाँ पर फोड़ना चाहिए और कहाँ पर चढ़ाना चाहिए? नारियल जो है श्री फल यानी श्री का स्वरूप है, ये शिवालयों में और कृष्ण मंदिरों में इसे फोड़ा नहीं जाता। ये देवी देव जो देवी है, जो जैसे हनुमान जी है, भैरव जी है और देवी के जितने भी मंदिर है वहाँ इसे फोड़ा जाता है, लेकिन कृष्ण मंदिरों में ये फोड़ना वर्जित कहा गया है। क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए नारियल को लेकर, क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? नारियल श्री कृष्ण मंदिरों में पूर्ण रूप से समर्पित करके अपनी मनोकामना लेकर उन्हें अर्पण करना चाहिए। ये सावधानी से के लिए उपयोग किया जाता है।